दोस्तों ये एक रियलमी का रियलमी 3 प्रो मोबाइल है, और इसमें जो दिक्कत आ रही है वो ये हो रहा है कि इसमें चार्ज नहीं हो रहा है। और देखा जाए तो नीचे इसमें चार्जिंग सॉकेट है जो लगा दिया है, लेकिन चार्जिंग सॉकेट लगाने के बाद में ये कभी चार्जिंग बराबर होता है, कभी चार्जिंग होता ही नहीं है। और चार्जिंग सॉकेट को देखा जाए तो चार्जिंग सॉकेट का मैंने वोल्टेज चेक किया पहले, तो वोल्टेज बराबर आ रहा है, लेकिन चार्जिंग है जो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है इसका। कभी होने लग गया तो हो जाएगा 20-30%, उसके बाद क्या इसमें चार्जिंग है जो रुक जाता है ऑटोमेटिकली। अब इसमें अगर चार्जर की पिन को इंजेक्ट करेंगे और चेक करेंगे तो वोल्टेज है कुछ 5.36, मतलब 5 वोल्टेज के आसपास में यहाँ आता है। और दूसरा अपन चेक करें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे भी 5 वोल्टेज मिल रहा है, अगर आपको दिखता हो तो यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, इधर से चार्जिंग पिन को निकाल देते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि कनेक्टर को कभी खुला हो आपका कनेक्टर और आप इस प्रकार लगाएंगे अगर, तो क्या होगा कि आपका फ़ोन है जिसमें क्या है कि यहाँ पे जब 5 वोल्टेज मिलता है तो अपन अगर इसको डायरेक्ट चार्जिंग में लगाओ यहाँ पे लगाएंगे तो अगर पिनें इधर उधर हो गई तो आपका कनेक्टर जल जाएगा, इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है। हर टाइम मेरे यहीं पे मुझे डिस्टर्ब, ये देखिए मैंने अभी चार्जिंग में लगा रखा है लेकिन फ़ोन में वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये कभी बराबर आता है कभी आता ही नहीं, इसी की वजह से ये चार्जिंग है जो नहीं हो रहा है। अभी मैंने पिन को निकाल के लगाई और इसको थोड़ा सा मैंने दबा देते हैं इसको, अब देखना, अब देखिए अब वोल्टेज आ गया है इसमें। ठीक है ना, इसको अगर दबा के रखते हैं थोड़ा सा वोल्टेज आ जाता है, बाकी इसमें वोल्टेज है जो यहाँ पर भी कम मिलता है 4 वोल्टेज के आसपास, इसीलिए फ़ोन है जो चार्ज नहीं हो रहा है। अभी इसमें करना ये है आपको, जो इसकी वी बस की जो सप्लाई है, इसका जो वी बस का सप्लाई है उसमें क्या आपको उसको स्क्रैच करना पड़ेगा। इसकी वी बस की जो सप्लाई है उसको स्क्रैच मारना पड़ेगा और यहाँ से जो ये वी बस की अपनी सप्लाई है इसको अपन स्क्रैच मार लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के, पेस्ट काफ़ी ज़्यादा लग गया है, यहाँ पे ऐसे डबल वायर करके आपको ऐसे एक डबल वायर होगा उसको ऐसे जो जम्पर वायर है उसको डबल करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा आपको रंगा लगाना चिपकाने के लिए। यहाँ पे अपन इसको वेल्डिंग कर देंगे, आप देखेंगे इन दोनों वायर को मैंने यहाँ पे वेल्ड कर दिया है। अभी इस कनेक्टर को अपन लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने वीबस की सप्लाई पे लगाया है, आपको दिखेगा तो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ इसको साफ करके। और एक है जो अपने ऊपर वाला कनेक्टर है, उसकी जो वीबस की सप्लाई है वहाँ पे भी हल्का सा आपको पैच लगाना पड़ेगा। हल्का सा पेस्ट अभी ज़्यादा है तो इसको अपन हटा लेते हैं।
पास में कैमरा आ रहा था मेरे को, थोड़ा सा सोल्डिंग करने में दिक्कत हो रही है। मैंने जूम कर दिया इसको, हिल भी रहा है ये, देखेंगे तभी। मैंने इसको सोल्ड कर दिया क्योंकि कैमरा बीच में टच हो रहा था मेरे को, इसे सोल्डिंग करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी। अभी मैंने इसको भी लगा दिया है और इस साइड में भी मैंने लगा दिया है। ये जो वीबस की सप्लाई है यहाँ पे मैंने लगा दिया है इसको, कॉर्नर पे लगाना है। जो ये दिख रहा है ना, इसकी जो कॉर्नर वाली कनेक्टर के कॉर्नर वाली लाइन है जो वीबस की सप्लाई है। अभी देखते हैं अपन जो चार्जिंग बराबर करता है या नहीं करता है। ले आएंगे ना अपन, बस एक ही साइड तो है स्पीकर इसका।